मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन तो 3 मई तक तो है ही है। 27 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की वापस मुख्यमंत्री के साथ, तब क्या रूपरेखा बनती है 3 तारीख के बाद वाली, वो आपको उससे बताएंगे। अभी तो उनकी जो गाइडलाइन आई हुई है नेशनल COVID-19 की जो निर्देश आया है, उसके अंतर्गत अगर ये लॉकडाउन खुलता भी है तब भी उसके बाद गाइडलाइन नहीं आएगी। अभी की गाइडलाइन भी है कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, जहाँ अभी खुल भी गया है, मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पे भी आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, और जो नहीं लगा है उसको 100 रुपये उसके ऊपर फाइन है, 100 रुपये फाइन। इसी प्रकार जो पब्लिक प्लेसेस पे जो लोग थूकेंगे आपस के अंदर थूकेंगे, उसके ऊपर भी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिए जा रहे हैं कि 100 रुपये का फाइन पे लगेगा जो पब्लिक प्लेस पे थूकने का काम करेंगे। पहले से ही भारत सरकार ने जो गुटखा तंबाकू लिकर इस पे बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लॉकडाउन के अंतर्गत लगा हुआ, पहले से लगा हुआ है। अच्छा, 144 लागू रहेगी आगे भी CRPC के अंतर्गत, 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, उसमें 1000 रुपये का जुर्माना है उसके अंदर जो उसको छोड़ेगा, और शादी समारोह यानी कार्यक्रम में उस पर जो आदेशों की अवहेलना करेंगे उसके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना। गुटखा तंबाकू बेचने वाले पे भी या लिकर बेचने वाले भी 5000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर भी। ये तो गाइडलाइन भारत सरकार ने पहले से आई हुई है जो मैंने आपको रिपीट की, और रमजान अक्षय तृतीया आ रही है तो मैं इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम नागरिक जो लॉकडाउन के नियम हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, ये मेरी अपील है आम जनता से। और मुझे यकीन है कि अभी तक जो अपील की गई थी, तब धर्मगुरुओं से बुला के बात करी, तब भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च और वही उन्होंने उसको निभाया भी है, इस बात के लिए उनको धन्यवाद कि आपने जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति, उसको देखते हुए आपने आगे आकर के हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो रमजान का महीना और अक्षय तृतीया का, ये अपने आप में धार्मिक रूप से महत्व रखते हैं। मैं चाहूँगा कि वो पहले वाली भावना बनी रहे और उसको वो मेंटेन करें। एक भारत सरकार को हमने कहा था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों को 5 करोड़ लोग उसमें चमड़ी होते हैं, 5 करोड़ लोग हैं राजस्थान में, उनको अनाज मिलना चाहिए था 10 किलो फ्री ऑफ निःशुल्क। तो गेहूँ जो है भारत सरकार कम दे रही है, उन्होंने 2011 की जनगणना जो है उनको आधार बना के उन्होंने अलॉटमेंट कर रही है वो गेहूँ का। इसके मायने हुए कि जो गेहूँ लेने आते दुकानों पर, आपने भी शिकायत सुनी होगी, मीडिया के छात्र से मैं कहना चाहूँगा कि अभी पूरे मैनेजमेंट में कुछ शिकायत आ रही होगी, वो आ रही है गेहूँ की, PDS सिस्टम की। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो इसलिए आ रही है कि गेहूँ जो है जितना मिलना चाहिए तब मिल नहीं रहा केंद्र से, वो 2011 का जो घटना है उनको आधार बना के उन्होंने 69% गाँव में और 53% शहरों के लिए कर रखा है। हमने फैसला किया कि जो अभी स्थिति इतनी नाजुक है लोगों की और पचेरी पाक बनी रहे उनकी, इसीलिए हमने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, कई कदम उठाए पेंशन वालों के लिए, 2 पेंशन को मिल चुकी एक साथ में 5-6 दिन के गैप में, और एक पेंशन भी हम जो है
वो भी अगले 10-15 दिन दे देंगे उनको, तो 3 पेंच हो जाएगी, उनका काम चलेगा। और इसी रूप में हम लोगों ने जो मजदूर लोग हैं बीपीएल स्टेट बीपीएल और अंत्योदय वाले और असाइलम डेस्टिट्यूट, इनके 2500 रुपये मैंने पहले कहा आपको उनके खाते में डाले हैं, कैश दिए हम लोगों ने। और अब उनका सर्वे करवा लिया अपने अस्पताल का कि कौन कौन डेस्टिट्यूट हैं जो शनि में आते हैं, जिससे कि आगे भी इमदाद की बात होगी तो आसानी से उन तक इमदाद पहुँच पाएगी। अभी हमने फैसला किया है कि कम से कम मई महीने के अंदर भारत सरकार अग्री नहीं कर रही है देने के लिए, हम लोग बराबर उनको पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अभी बीसी होगी 27 तारीख, तो मैं इस मामले को उठाऊंगा, मजदूरों के मामले को भी, उनको अविलंब रवाना करना चाहिए, बाहर के लोगों को भी और यात्री प्रवासियों को अविलंब यहाँ आने की छूट देनी चाहिए। ये हमारा 27 तारीख एजेंडा होगा हमारी तरफ से, उसमें मुख्य बात होगी प्रवासी राजस्थानियों की और मजदूरों के आने जाने की बात भी होगी। इसलिए हमने तय किया है कि भारत सरकार दे नहीं रही है तो हम मार्केट प्राइस से गेहूं खरीद करके पूरे 5 करोड़ लोगों को फ्री निःशुल्क गेहूँ मिलेगा, 10 किलो गेहूँ उनको मिलेगा जो जो वंचित रह जाते हैं बार बार। ये सब मिला के मैं समझता हूँ करीब 7 लाख के आसपास होंगे डेस्टिट्यूट मिला करके, तो बाजार से गेहूँ एफ सी गोदाम में जो रेट तय करवाई है भारत सरकार से 21 रुपये किलो गेहूँ खरीद करके वो गेहूँ बांटा जाएगा इन लोगों के अंदर जो वंचित रहते बार बार नाम होने के बावजूद भी, या नाम लिखाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि पहले जो नाम लिखे गए उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको कैसे मिलेगा। उसके लिए हम निर्देश दिए कि आप एक बार जाँच कर लीजिए उनकी जो एलिजिबल है, उनको नाम जोड़े उनका नाम भी, तो ये बाजार की प्राइस से खरीद करके इनको बाकी लोगों की तरह निःशुल्क गेहूँ मिलेगा, ये सरकार ने तय किया। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सीधा ही सभी का स्वागत करते हुए राकेश गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जितनी भी पीसीआर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं उसमें सिर्फ एसएमएस हॉस्पिटल है जहां पर आरएनए एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है, और वहां भी किट्स आपके पास ख़त्म हो गई हैं जिसके 1.5 लाख किट्स का ऑर्डर दिया गया है यूएस कंपनी से, तो वो कंपनीज़ वही हैं जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही हैं, क्या उस समय पर अपने पास वो किट्स आ पाएंगी? क्या वो समय पे किट्स राजस्थान को मिल पाएंगी, और अगर नहीं मिल पाएंगी तो फिर कैसे, क्योंकि कल रात तक भी पेंडेंसी 5000 सैंपल्स की थी, कैसे हम पीसीआर टेस्ट हैं वो भी कैसे कर पाएंगे अगर वो किट्स हम नहीं आएंगे? देखिए, इनके लिए पैसे पहले से ही 4 अलग अलग कंपनी को ऑर्डर दिए हुए हैं, जिसमें यूएस की कंपनी है, फ्रांस की, जर्मनी की है, और उम्मीद करते हैं चरणबद्ध रूप से उनकी सप्लाई भी होगी। परंतु ये जो आप जिसका बात कर रहे हैं आरएनए के, ये इम्पोर्टेंट किट है, इसके बगैर जांच नहीं हो सकती पीसीआर की, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इसी किट की मांग है दुनिया के मुल्कों के अंदर। मैं बार बार कहना चाहूँगा, मैंने प्रधानमंत्री को जो रचनात्मक सलाह दी थी उनको मैंने 20 दिन पहले, पहली बार जब इश्यू थी तब, आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें तमाम मेडिकल का, एसेंशियल गुड्स के, जो पूरा मुल्क लॉकडाउन में है, तो अगर आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करेंगे तो राज्यों को कोई टेस्ट के किट के लिए या वेंटिलेटर के लिए या पीपीई के लिए
खुद को नहीं भागने पड़ेंगे, कंपटीशन नहीं होगा, और कहाँ अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे कोरिया में या चाइना में या और किसी मुल्क में, आराम से उनके माध्यम से प्रोक्योरमेंट होके फिर वो जिन राज्यों में जहाँ जैसी प्रॉब्लम होती संख्या होती कोरोना पॉजिटिव की, उस ढंग से वो सप्लाई करते। तो मेरे ख्याल में जो ये रैपिड टेस्ट वाली प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम नहीं आती। इसी रूप में आप इसको देखिएगा कि इस पे अभी 1600 किट उपलब्ध है और 4000 एक दो दिन में पहुंच रहे हैं और बाकी 24 तारीख के बाद आएंगे, ये हमने शेड्यूल बना रखा है और उसी रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मनोज माथुर जी से अनुरोध है कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो एमएलए लेड फंड है इसको लेके आपने कल काफी कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने जो आंकड़े अभी साइट से निकाले उसके अंदर ये लगा कि जो अधिकांश बीजेपी विधायक हैं उनमें से 35% ने ही 50 लाख से ज्यादा का अपना मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया है, अन्यथा वो पार्टी जो हावी पॉलिटिक्स हावी हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। एमएलए अभी तक अपना पूरा फंड पूरी ताकत के साथ राहत कोष को अपना नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे कैसे निपटेंगे। देखिए, मैंने सलाह दे रखी है एमएलएज को और सलाह ये है, ये डिस्क्रिशनरी फंड है, जब चाहे एमएलए जैसी स्थिति देखे वो उनके क्षेत्र के लिए होती है, अपनी सुविधा से खर्च करें। अभी जब एक बार समाज आगे आ रहा है, भामाशाह आगे आ रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परंपरा राजस्थान की उसको निभाया उन्होंने, उसी रूप में सब कुछ व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की हो रही है, सूखे राशन की हो रही, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, और जहाँ जरूरत है वहाँ एमएलए दे रहा है, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात है या और किसी की मांग डीला कलेक्टर करते हैं, मना नहीं करते हैं। तो ये उनका खुद डिस्क्रिशन फंड है। मैं समझता हूँ एक बार हमने जो कह दिया है कि इस साल का अगले साल का राजस्थान में हेल्थ में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो उस पर पहल जाना चाहिए, वो प्रक्रिया चल रही है, जल्दी फैसला होते मैं आपको इतला कर दूंगा। कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो सबसे बातचीत कर रही है और वो रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद में हम फैसला करेंगे किस रूप में पैसा गाइडलाइन के अनुसार खर्च हो, जिससे हमारे हेल्थ सर्विसेज की स्थिति मजबूत हो सके गाँव तक में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। मैं धर्मेश भारती दूरदर्शन से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर लीजिए धर्मेश जी, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन अपने किया है उसमें व्यापारी हैं और जो मजदूर हैं क्या दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं, और उसमें क्या उसमें और बेटर किया जा सकता है, इस पर इसको लेके कोई असेसमेंट या इसको लेके कोई किसी प्रकार की जानकारी सरकार अपनी तरफ से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। मॉडिफाइड लॉकडाउन दिक्कत आ रही है व्यापारी? अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इक्का दुक्का कोई कोई दिक्कत है तो जिला प्रशासन को इतला कर देते हैं। मोटे रूप में बहुत संतुष्ट लोग हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में इकाइयाँ खुल रही है, जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा इकाइयाँ खुल रही है, और जिलों में बड़ी बड़ी इकाई लगी हुई है वो खुलने लग गई है, ये शुभ संकेत है। और जो सरकार उम्मीद कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी, उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं विनोद मित्तल जी दैनिक भास्कर से अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जयपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यह परकोटे की दीवार को लांग कर अब जयपुर के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, इससे सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कोई अलग से प्लानिंग कर रही है? देखिए, एक बात तो सबको दिमाग में रखनी चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर
कि जब कोरोना ने धमकी दे दी है, चैलेंज कर दिया है मानवता को पूरे विश्व के अंदर, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो विकसित राष्ट्र के रूप में भी है वो हिल चुकी है, हिल रही है, उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर सब राज्य सरकारें अपना अपना काम कर रही है और सबकी प्रायोरिटी है कि जिंदगी बचे आदमी की। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे जो गलत फहमी पैदा करते रहते हैं, अफवाहें चलाते रहते हैं, आम जनता को उससे बचना चाहिए। जब जिंदगी खुद दांव पे लगी हुई है तो क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सवाल तो जिंदगी बचाने का है। लोगों को गलतफहमी होती है आपकी मुस्लिम एरिया में ज़्यादा केसेस आगे हैं और वहाँ पे कर्फ्यू में पूरी तरह उसको पाबंदी किया गया है, लोग फिर रहे हैं, कुछ अफवाह चलती रहती है। ये अफवाह खाली जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार का एक ही मकसद है, जीवन कैसे बचे। और जब मॉडल हमने खुद ने बनाया है भीलवाड़ा का, जिसमें उनका नाम यही है किस प्रकार हम लोग रूथलेसली एक्ट कर रहे हैं, जब पूरा मॉडल आपका पूरी देश में पूरी दुनिया में वो विख्यात हुआ है इसी नाम से, रूथलेस कंटेनमेंट, तो क्या कोई सरकार अफोर्ड कर सकती है कि आप किसी को कोई धर्म के नाम पे छूट दे दो किसी खुश करने के लिए? ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर कांग्रेस ने छूट दे रखी है सरकार ने मुसलमान लोगों को, और वो फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। इससे घटिया बातें कुछ हो नहीं सकती। हमने डीजी पुलिस को निर्देश दे रखे हैं कि सामने कोई भी आए, किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, अगर वो कर्फ्यू तोड़ता है, नियमों की पालनी करता है, तो सबके साथ में एक सा व्यवहार होना चाहिए। ये भावना नहीं रखेंगे तो हम कभी भी जीवन नहीं बचा पाएंगे। हमारा सरकार का मकसद है राजस्थान में लोगों का जीवन बचे और पहले की तरह जिंदगी वापस शुरू हो, जैसा कि वुहान में हुआ है चाइना में, जहाँ पर 80 दिन का लगभग 79 डेज का लॉकडाउन रहा था वहाँ पर। ये नहीं भूलना चाहिए, 79 डेज का मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा। अब समझ गए, समझेंगे समझे आप? अभी 3 तारीख है, पता नहीं और आगे बढ़ सकता है। वहाँ नॉर्मल जिंदगी, मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलने लग गए वुहान के अंदर चाइना में, पर 79 दिन की तपस्या की उन लोगों ने। तो ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है उसको जरा ध्यान दें। जिंदगी भर अफवाह फैलाई उन लोगों ने, कृपा करके अभी जीवन दाव पे लगा हुआ है, अभी वो बाज आए अफवाह फैलाने से। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई मायने रखता है, हमारे मायने रखता है इंसान जो है वो बचना चाहिए, जिंदगी बचनी चाहिए बस। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब पत्रिका से समीर शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप राहत पैकेज के लिए पीएम साहब को ही बता चुके हैं और श्रमिकों की और प्रवासी राजस्थानियों की समस्या भी आप अमित शाह जी से भी कह चुके हैं और अभी तक जवाब नहीं आया, तो क्या सर ये रवैया केंद्र सरकार का आपकी नजर में उचित है और क्या ये भेदभाव की राजनीति मानते हैं आप इसको? देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी ये समस्या है, उचित रूप में हमने उसको उठाया है और मैं उम्मीद करता हूँ, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि ये संकट अवश्य फीडबैक दे रहा होगा केंद्र को भी, राज्यों की तरह, क्योंकि श्रमिकों की समस्या अपना बड़ी समस्या बन गई है। और हमने भी अपने तरीके से कमी नहीं रखी है। अभी 27 तारीख को बीसी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ उसके पहले फैसला हो जाएगा, वरना 27 तारीख को और हम इसको प्रमुखता से उठाएंगे कि कैसे मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं या कोई नौकरी करते हैं दुकानों पर या दुकानों के मालिक हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कैसे आना चाहे उसको छूट मिले, ये हमारा मुख्य एजेंडा होगा इकोनॉमिक एजेंडे के साथ में। इसलिए आप निश्चिंत रहें,
कि इसमें कोई भी फैसला जरूर होगा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद समीर जी। मैं अब नवज्योति से एल एल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा सवाल जयपुर शहर से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जयपुर शहर में रोजाना कोरोना से पहले करीब 20,000 ओपीडी रही है। करीब 20,000 की ओपीडी रही है जयपुर शहर में कोरोना से पहले। अकेले एसएमएस में 10,000 आते थे, उसके बाद में आईपीडी अलग हुआ करती थी। अब कोरोना के बाद में सारे सरकारी अस्पताल जो है वो सिर्फ कोरोना के लिए आरक्षित कर दिए गए। दूसरे जो मरीज अन्य बीमारियों के, वो बेचारे एक महीने से बहुत परेशान है, घरों पर पड़े हुए हैं, उनको वो इतना खौफ हो गया कोरोना का कि वो सरकारी अस्पतालों में भी नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए ऐसा कोई बंदोबस्त कर रही है सरकार के उनको उचित उपचार मिल जाए टाइम पे? देखिए, मैंने कल भी कहा आपको, 400 मोबाइल वैन शुरू की गई है, तो शहरों में संख्या के आधार पर उनकी संख्या होगी। पूरे प्रदेश के अंदर चालू भी हो गई है स्कीम, काफ़ी हद तक तो वही काफ़ी देख लेगी। और जो सीरियस पेशेंट होंगे उनका सर्वे भी हो जाएगा उन गाड़ियों के माध्यम से। 400 गाड़ियाँ घूमेगी, उनको कहा गया जो सीरियस पेशेंट मिले आपको, जिनको एमरजेंसी है ऑपरेशन किया और किसी बीमारी के दिखाने के डॉक्टर को बड़े अस्पताल में, तो वो उसके लिए भी उनको पाबंद किया गया, वो CMA जो इतना देंगे और बाकायदा मेडिकल कॉलेज या जो भी बड़ा अस्पताल है वहाँ उनका इलाज कराया जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार सब काम चल रहा है। कुछ लोगों को शिकायत है कि जयपुर के अंदर 3 बड़े अस्पताल को कोविड का बना दिया, वहाँ पे आज ऐसे में वो जाएगा तो उसको मना नहीं करते हैं, आराम से वो वहाँ पे जा सकते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और सब सेंटर लेकर के जो PHC CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो अपन डिस्ट्रिक्ट में सोच रहे हैं। हम लोग करीब 17,000 से ज़्यादा संस्थान है राजस्थान के अंदर चिकित्सा के, सब अपना काम कर रहे हैं। और जो शिकायत मैंने सुनी यहाँ पर बड़े नेताओं से भी, उनको मैंने समझाया कि इस प्रकार से अगर सोच रखेंगे हम लोग, हमारे मोहल्ले के अस्पताल में आ गया है, उससे काम नहीं चलेगा। सबको एक दूसरे को सेव करना पड़ेगा और जो डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जो नियम पालन करेगा, उसको कोई कॉर्नर को डर नहीं होना चाहिए, ये भावना सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब UNI से सुरेश पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये कोरोना वॉरियर से के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की खबरें आ रही है और इसके इन हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून भी बन रहे हैं अभी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जो राजनेता या स्वयंसेवी संगठन राज सामग्री बांटने में तो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन अफवाहें रोकने में या इस तरीके के हमले रोकने के लिए समझाने में उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। तो क्या आपको लग रहा है कि राजनेता या NGO इसमें थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं इनकी? देखिए, इसमें तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, धार्मिक संगठनों के नेता हैं, धर्म गुरु हैं, सब मिलकर तो हमने शुरुआत करी थी कोरोना के जंग की लड़ाई लड़ने का। जब संकल्प लिया था तो आप सबको मीडिया के साथियों को मालूम है कि हमने अलग अलग मीटिंग बुला करके, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जिसमें धार्मिक संगठनों के धर्मगुरु भी थे, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया, सबको इन्वॉल्व करके राजस्थान में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये काम जो आपने कहा ये अनफॉर्चुनेट है, सरकार इसमें बहुत सख्त है। अभी तक 275 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें बख्शा नहीं जाएगा और सबको समझ में आनी चाहिए। आज भारत सरकार ने जो नया कानून अध्यादेश लाए हैं उसे और लोग समझ जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अर्चना शर्मा जी IANS से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार।
सर, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में ऐसी न्यूज आ रही है कि काफी बड़े होटेलियर्स ने कोविड फैसिलिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टीज दे दी हैं सरकार को, लेकिन राजस्थान से ऐसी खबर आ रही है कि होटेलियर्स को थोड़ा सा भय है कि अगर उन्होंने इस तरह का कुछ काम किया तो टूरिस्ट बाद में डर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए भी थोड़ा सा डर आ रहा है लोगों के मन में जो रेसिडेंशियल जगह पर है, तो ऐसा कुछ यानी कुछ होटल्स हैं जो आगे आए हैं अपनी प्रॉपर्टी लीज करने के लिए, इसके रेंट आउट करने के लिए कोविड 19 के लिए? हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी ने मांग करी है और ये कोई इश्यू भी नहीं है। इश्यू तो ये है कि पर्यटन उद्योग जो है वो बहुत बड़ा धक्का लगा उसको, उद्योग को, ये तो आपको मालूम है दुनिया भर में धक्का लग रहा है। दुनिया में अगर शांति नहीं होगी, कोरोना की जंग नहीं जीती जाएगी दुनिया के मुल्कों में, तो कौन टूरिस्ट आने वाले हैं? विदेशी टूरिस्ट की बात छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी नहीं आ पाता, ना आ पाएगा, चिंता में वो है। बाकी तो ये प्रॉपर्टी की सब ठीक हो जाएगी, वहाँ जन्म मिल जाएगी, रेस्टोरेंट भी, होटल भी, कुछ भी चिंता नहीं, चिंता में ही है कोरोना की जंग कहीं जीते हम लोग, तो पूरा परिवारों से जुड़ा हुआ है, एक राशन सामग्री, एक राशन सामग्री अलग अलग जैसलमेर में है, 142 बीकानेर में है, 205 पाली में है और 709 जयपुर में है, 3961 है। इन सबको जो है सामग्री उपयोग करी गई है, मुझे कुछ शिकायत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से पी जॉयचंद जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला है ये किसी एम्प्लॉय को निकालना नहीं है और उनकी ये लॉकडाउन पीरियड में उनको सैलरी वगैरह देना चाहिए, ये देने के लिए क्योंकि अभी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट बोल रहे राजस्थान से सॉरी इंडिया में ये कोविड से ज्यादा भूखमरी से लोग मरने के हालत होने वाला है, क्योंकि मई 3 के बाद भी आप भी बता रहे ये लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है, तो इसी हालत में इसको इनको सैलरी मिलने के लिए और इनको नए निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? ये मैंने कहा 3 तारीख बाद में खत्म नहीं होगा, ये तो भारत सरकार तय करेगी कब तक चलेगा, संभावना कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जीवन बचाना है, जीवन बचाना है। वुहान में 79 दिन बैठे रहे लोग घरों के अंदर, पूरी दुनिया देख रही थी वुहान को, चाइना को, और विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी वहां खत्म हो जाएगा। दुनिया में तो इटली में, स्पेन में, अमेरिका में क्या स्थिति बनी है, बहुत दुखदायी स्थिति है, और चाइना में वो वुहान जो है वापस नॉर्मल स्थिति में आ गया, इसलिए मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। बाकी जो आपने कहा है कि ये जो स्थिति है डिपेंड करेगी किस प्रकार की लॉकडाउन खुलने के बाद में हम लोग सबकी इच्छा शक्ति हो, अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत वापस करना ही करना है, और इस देश के लोगों में इच्छा शक्ति कमी नहीं है, जज्बा है, चाहे वो छोटे दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, मॉल मैनेज कर रहा है या उद्योगपति है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना की जंग जीतने के बाद में अर्थव्यवस्था को सब लोग मिलकर के वापस पट्टी पे लाएंगे, और पट्टी पे आएगी भी, आशावादी हमें होना चाहिए, और मैं आशावादी हूँ कि राजस्थान के अंदर भी जो रेस्पॉन्स मिल रहा 3 दिन से 20 तारीख के बाद में, जिस पर लगे बड़े बड़ी इकाई खुलने लगी है,
साइलेंटली मैं समझता हूँ कि वही स्थिति वापस बनेगी और हम लोग उसमें कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। तो देगा लोगों को इसके क्या क्या होगा क्या? लॉकडाउन में भी सैलरी वगैरह लोगों को मिलना है, मिलने का। ये मैंने पहले भी कहा आपको कि भारत सरकार को चाहिए कि मजदूर की सैलरी तो सुनिश्चित हो ही हो, चाहे वो उद्योगपति थे या उनके लिए कोई स्कीम आए, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया कि आप सबको सैलरी देंगे और जो जानकारी मिल रही है उसमें लग रहा है कि जिनकी स्थिति देने की है वो लोग दे रहे हैं। कई लोग स्थिति है ही नहीं, खुद की स्थिति खराब है, बैंकों के लोन चढ़े हुए हैं, मुसीबत में है, वो देने से आनाकानी कर रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं। तो कोई ऐसी स्कीम बननी चाहिए भारत सरकार की, कोई पैकेज लाना चाहिए जिससे कि मजदूर, जिसके लिए सबने भारत सरकार और राज्य सरकारें हों, सबने एक स्वर में कहा था कि मजदूर की कोई गलती नहीं है, मजबूरी में उसको घर बैठना पड़ा है। तो जो आदमी जहाँ काम कर रहा है, नौकर है या मजदूर है या कोई लगा हुआ है काम में, उसकी जिम्मेदारी बनती है दुकानदार की या इंडस्ट्रीज की, वो उसको निकाले नहीं, रोजगार दे। इवन किराए के मकान में निकाले नहीं, निकालने का गाइडलाइन आई हुई है। तो जब इतना हमने फैसले किए हैं तो इसके लिए कोई पैकेज आना चाहिए, पर मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, वरना अगर हमने नहीं संभाला और भारत सरकार इन्वॉल्वमेंट कर रही मुख्यमंत्रियों की अच्छी बात है। पहले जब डिक्लेयर किया था लॉकडाउन रात को 8 बजे 4 घंटे के नोटिस पर, जबकि हवाई जहाज और रेलगाड़ियों को पहले आपने टाइम दिया था 5 दिन का, तब हवाई सेवाएं बंद हुई थी, तो कम से कम लोग आगे चले गए, दुनिया के मुल्कों से भी लोग लाया गया चार्टर प्लेन से। तो लॉकडाउन के वक्त में भी अगर समय मिलता सबको, 5 दिन पहले मोदी जी कहते कि 5 दिन के बाद में लॉकडाउन रहेगा देश, तो यार मजदूरों की समस्या नहीं आती, अन्य समस्या पैदा नहीं होती। कोरोना से तो एक मुसीबत ही है, उससे तो मरने के बचाने के लिए आप उन सब लोग लगे हुए हैं, पर अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई पूरी तरह से और अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली मजदूरों को, गरीब आदमियों को, डेस्टिट्यूट लोगों को, तो कई लोग भूख से मर सकते हैं। तो हमने ये तय किया है कि भूख से कोई नहीं सोए राजस्थान के अंदर, भूखा कोई नहीं सोएगा। ये हमारी जो सबकी संकल्प शक्ति है, आप सबकी, प्रदेशवासियों की, मैं समझता हूँ इतने दिन निकले हैं उसमें हम लोग कामयाब रहे राजस्थान में। आज ये शिकायत नहीं आ रही कि कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है, इक्का दुक्का शिकायत हो सकती है, वो ठीक भी हो जाती है, पर ये अर्थव्यवस्था मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब योगेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा जन टीवी से अपना प्रश्न रखें। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल, काफी जवाब आपने वैसे इसका दे दिया जो मेरे से पहले सवाल था। सवाल ये है सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, अभी आपने कहा कि उद्योग काफी संकट में है और जो जॉब करते हैं लोग मिडिल क्लास में, उनके सामने एक बड़ा संकट आ सकता है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने संकेत दिया कि वुहान में 79 डेज में लॉकडाउन हटा, 3 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी और जिसकी संभावना है कि आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी पोजीशन में कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है सर कि उन लोगों का पूरी सैलरी नहीं मिले, एटलीस्ट उनका घर का काम तो चल सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली लोगों के बीच से निकल के आ रही है। जब ठीक कह रहे हो, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, राजस्थान सरकार ने जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर कदम उठाए हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा राजस्थान के अंदर, जो जिसकी पर्चनी पावर खत्म हो जाए और सरकार के साथ नहीं खड़ी मिले, इसीलिए आज राजस्थान शांति है। 2500 रुपये अकाउंट में पहुँच गए लोगों के या कैश मिल गए, पेंशन मिली 2 महीने की, इसके मतलब पति पत्नी अगर पेंशनदारी है तो एक एक घर में 1500 लगाए 4000 रुपये तक पहुँचे हैं, गेहूँ फ्री मिल गया। तो जितनी स्कीमें लागू की राजस्थान के अंदर उसका बड़ा इम्पेक्ट है, और फिर जो भामाशाह और जो लोग आए हैं सामने वो भी मैं समझता हूँ कि तारीफ़ काबिल है। सब लोगों ने मिलकर ही इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में
साथ निभाया है। आगे मैं बार बार जो कह रहा हूँ आपको कि भारत सरकार को पैकेज देने पड़ेंगे, बड़े पैकेज, जैसे कि मैंने कल कहा आपको, दुनिया के सब विकसित राष्ट्रों ने घोषित कर दिए हैं। इन हमारे मुल्क में अभी 1.7 करोड़ का पैकेज, लाख करोड़ के पैकेज घोषित हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि 1% बहुत कम है। तो इसमें आगे आना पड़ेगा, जिसमें तमाम, चाहे वो अगर इंडस्ट्री डूब गया, मान लीजिए व्यापार डूब गया, तो रेवेन्यू कहाँ जाएगी आपके? तो हर व्यक्ति के लिए, हर संस्था के लिए, या कहना चाहिए हर कैटेगरी के लिए आपको पैकेज देने पड़ेंगे। इंडस्ट्री जिंदा रहना जरूरी है, तभी तो आपको वापस रेवेन्यू देगी टैक्स के रूप में। तो पूरा सर्कल बना है, बनाए रखना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाकर के मजदूर का भी भला होगा, मालिक का भी भला होगा, दुकानदार का भला होगा, आम जनता का भला होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सभी को इस कल्चर का भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।